नमस्कार, मैं हूं वैद्य हिमांशु आर्य, नाड़ी वैद्य कायकल्प रोहतक से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायकल्प में जलोका के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यह रक्त में रक्त धातु में आई हुई पित्त की दृष्टि को एक तरीके से खींच लेती है और स्थान विशेष पर रक्त की दृष्टि को खत्म कर देती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार से यह दृष्टि जो पित्त को इसने खींच लिया है उस पित्त को किस प्रकार से आप वमन कर्म करा के इसको इंद्रमद नाम की बीमारी से बचाते हैं। यदि सम्यक वमन न हो तो जिस प्रकार से ज़्यादा वमन होने से आदमी की मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार से इस जीव जलोका की भी मृत्यु हो सकती है और किस प्रकार से इसको हम वमन कर्म कराते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ इसी वीडियो में किस प्रकार से यह जब सम्यक वमन हो जाता है तो इसका विचरण होता है और यह दुर्वांत नहीं होती तो किस प्रकार से इसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आयुर्वेद के स्नातकों के लिए यह एक विशेष उपहार मेरी तरफ से है कि वह इसको सीखें और मेरे आयुर्वेद की इस प्राचीन पद्धति को अपने नित्य प्रतिदिन जीवन में अपने चिकित्सा के अनुभव में इसको यूज़ करना स्टार्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को जिनको रक्त की दृष्टि है उन्हें ठीक कर सकें और अपने आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मांड में हम कर सकें। ये जलोका को वमन करवाया जा रहा है। यदि सम्यक वमन ना हो तो जलोका दुर्वांत होके इंद्रमद रोग से मर सकती है। ये जैसा आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से वमन कर्म कराया जा रहा है और सम्यक वमन न होने के है रोगी विशेष को दोबारा लगाने पे परेशान भी कर सकती है, रोग में बढ़ावा भी दे सकती है यदि सम्यक वमन नहीं है तो। जब वमन यह इसका घूमना या इस तरीके से विचरना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे मनुष्य की भांति यह वमन कर्म से अपने शरीर के अंदर जो पित्त वाला जो रक्त इसने चूषण किया है उसको यह बाहर निकाल देती है। जब यह इस प्रकार से विचरण करना शुरू कर दे तब मानिए इसका सम्यक वमन हो गया है और भोजन की तलाश में जब यह सही पानी में घूमने लग जाए तो मानिए कि यह इंद्रमद नाम की बीमारी या दुर्वांत होकर नहीं मरेगी।